दोस्तों, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप आई मोबाइल में कैसे रजिस्टर किया जाता है और उसका कैसे एम पिन बनाया जाता है और इसके पूरा डिटेल से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्ले स्टोर में आपको आई मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करना होगा। तो देखिए, फर्स्ट में ही एक्सिस मोबाइल पे उसको आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद इसका पूरा फीचर और पूरा बहुत ही आसानी से कैसे रजिस्टर किया जाता है आप इस वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। तो हम इसको देखिए ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा देगा, इसमें डिटेल बता रहा है कि मोबाइल नंबर से कि क्या चीज़ से वेरिफिकेशन वेरीफाई करेगा वो। अब ये मतलब लोकेशन ट्रैक कर रहा है। अब इसमें तीन ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल का ओटीपी से आप रजिस्टर कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो हम बहुत आसानी से ओटीपी से करेंगे क्योंकि बहुत ईजी है, मोबाइल का ओटीपी से करिएगा तो उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। अब अगर इंटरनेट बैंकिंग से भी करना चाहते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग आपको पहले बनाना होगा, तो हम ओटीपी से कर ले रहे हैं। ओटीपी पे सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इंटर कस्टमर आईडी फर्स्ट में इंटर करना होगा और उसके बाद फिर नीचे में जो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर आईडी भी हम इंटर कर लिए। अब यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लिए। अब यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में इंटर पेन नंबर, तो पेन नंबर भी इंटर हम कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे, ठीक है, ये इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और रजिस्टर ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो दोनों ओटीपी आप लेने के बाद आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर दोनों मोबाइल नंबर वाला जो ओटीपी है ऊपर में एंटर करना है और ईमेल आईडी का ओटीपी नीचे में एंटर करना है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, लास्ट का चार नंबर आएगा तो इसमें हम ओटीपी हम एंटर कर लिए। ओटीपी एंटर करने के बाद फिर यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आने के लिए आया तो यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिए फर्स्ट में इंटर नाइक नेम, तो नाइक नेम में मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हैं और यहाँ टर्म कंडीशन को ओके से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्री पर करेंगे, क्लिक करेंगे सबसे लास्ट में एग्री पर क्लिक किए। उसके बाद फिर हम आगे का स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एम पिन क्रिएट किया जाता है, क्रिएट योर एम पिन वो होता है कि आप 6 नंबर का फर्स्ट में जो नंबर डालेंगे और दूसरा री इंटर 6 डिजिट पिन सेम नंबर डालेंगे दोनों में, ठीक है। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको यूज़र पासवर्ड वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एम पिन डालिएगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो हम कंफर्म पे कर लिए क्लिक। कंफर्म पे करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप दे दिया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दिया कि अगर आप फिंगर से भी करना चाहते हैं तो आप यस कर दी रहने दीजिए, अब अगर फिंगर से नहीं है तो यस मत दीजिए। तो हम फिंगर से दे रहे हैं, फिंगर दे दिए। तो प्रोसीड पे फिर से क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट मतलब दे रहा है कि ऊपर जो भी है वो पूरा वेरीफाई हो गया। फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर हमारा देखिए अब इसमें जो दे रहा है अकाउंट नंबर जो मेरा है उसका लास्ट डिजिट जो दे रहा है ये अकाउंट नंबर आपका है मतलब दिखा रहा है। आप प्रोसीड फिर करेंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर जो दे रहा है वो आप
UPI ID बनाना चाहते हैं मोबाइल नंबर से, या तो दूसरा नंबर आप ऐड करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो हम सेम मोबाइल नंबर रहेगा हमारा, यही मोबाइल नंबर और UPI ID। तो वहाँ पर देख लीजिए मेरा जो एक्सिस जो नंबर है, और फिर @ACCISBANK मतलब हमारा UPI ID हो गया। तो उसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि अगर यही रखना है तो ठीक है, हम तो सेम रखते हैं वही मोबाइल नंबर, प्रोसीड कर दिए। प्रोसीड करने के बाद फिर यहाँ पर कंफर्म करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है एक्सेस योर, हाँ तो कंफर्म कर दिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सेट UPI नंबर, ठीक है। अब इसमें मतलब UPI नंबर मतलब आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमारा सेट हो गया, कंफर्म हो गया। इसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसमें हम लॉगिन कर लिए बहुत अच्छा तरह से, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आप देख सकते हैं। लेकिन फिर से हम बैक चले गए, बैक जाने के बाद ओपन किए मोबाइल एप्लीकेशन। इसको ओपन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या देता है तो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर MPIN जो हम बनाए थे, MPIN हम इंटर करेंगे। MPIN इंटर करने के बाद हम बहुत ही आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। तो MPIN हम इंटर किए, उसके बाद हम यहाँ देख लीजिए पूरा डिटेल्स हमारा खुल गया। अब मेरा मोबाइल का बैलेंस कितना है और अकाउंट नंबर क्या है, ये पूरा डिटेल्स जो चाहते हैं आप, ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी अगर कमी बेसी रह गया हो तो आप मेरे को हमको मैसेज करके आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं, मैसेज करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और आप किसी तरह से हेल्प ले सकते हैं। ओके, शुक्रिया।